दीपावली का त्यौहार हम लोगों ने तो काफ़ी धूमधाम से मनाया, लेकिन उसका खामियाजा भी भुगतने के लिए अब तैयार हो जाइए, क्योंकि जो पॉल्यूशन बोर्ड है, बिहार पॉल्यूशन बोर्ड के ज़रिए जो है एक रिपोर्ट दी गई है, जिसमें बताया गया है कि जो अब पटना की हवा है वह स्वच्छ नहीं है, खतरनाक है, जो सांस लेने में काफ़ी कठिनाइयां हो सकती हैं। इस वक्त हम इको पार्क के पास हैं, जहां पर एक बड़ी सी LED लगाई गई है बिहार सरकार के द्वारा। इसमें बताया जाता है कि जो पटना की स्वच्छ हवा जो है वो किस तरीके से अब हवा वो सांस लेना भी अब मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कल रात भर पूरे पटना में पटाखे जले और बिहार स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड कंट्रोल के द्वारा जो है जो रिपोर्ट दी जा रही है, जिसमें 401 बताया जा रहा है, क्योंकि अब 401 है, पहले की अपेक्षा जो है अब अधिक हो गई है। तो अब ये जो हवा है वो कहीं ना कहीं जहरीली हो गई है, खतरनाक हो चुकी है, जिसके वजह से लोगों को अब खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जो हवा है उसमें अब सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकता है, जिसको लेकर जो है नगर निगम के द्वारा जो एक्सप्लेनर गाड़ियाँ हैं, जो वाटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, छिड़काव किया जा रहा है, जिससे जो प्रदूषण वाली हवा है वो अब डाउन होगा। लेकिन ऐसा अब करने पर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पटाखे तो हमने जलाएं, लेकिन उसका खामियाजा भी अब पटना वासियों को भुगतना पड़ेगा। ऐसे तो सरकार पर्यावरण के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं, जगह जगह पर पेड़ पौधे भी लगाए जाते हैं और लगाए जा रहे हैं। ऐसे में जो गाड़ियाँ चलती है डीजल वाली गाड़ी, उसे भी बैंड कर दिया गया है सरकार के द्वारा, और अब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ लाई जा रही है, CNG गाड़ियाँ लाई जा रही है, जिससे हवा जो है वो प्रदूषित ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं पटना की जो हवा है वो स्वच्छ नहीं है, जिसके वजह से जहरीली हवा में हम लोग सांसें ले रहे हैं, जिससे कई तरह की बीमारियाँ भी उत्पन्न हो सकती है। और इसको लेकर बिहार पॉल्यूशन बोर्ड के द्वारा जो है जो रिपोर्ट दिए जा रहे हैं, जिसमें मीटर बताए जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये मीटर का जो आंकड़ा दिया जा रहा है वो खतरनाक है। लोग आ जा रहे हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं, थोड़ा युवा हैं, उनसे हम जानते हैं जो डायमीटर दिखा रहा है पॉल्यूशन का, उससे पॉल्यूशन को कैसे देखते हैं, क्योंकि अब आंकड़ा जो है वो 400 के पार पहुँच चुका है। हवा जो हम लोग ले रहे हैं वो स्वच्छ हवा नहीं ले पा रहे हैं। दीपावली बीता है जी, पटाखे जलाने से लोगों को नुकसान भी हुआ, कैसे देखते हैं जी इसको? तो बहुत ही मतलब ख़राबी माना जाएगा, क्योंकि पोल्यूशन हद बेहद बढ़े जा रहा है, वो मेनली मतलब ओजोन ख़राब कर रहा हमारा। काहे नाक मुंह बंद किए हुए? वो पटाखों टाखे जलाने से हम लोग का प्रदूषण, हवा ख़राब हो गया है, सांस लेने वाने में प्रॉब्लम है, उसी में गाड़ी वाड़ी आती जाती है, सब प्रदूषण फैला हुआ है, इसीलिए सांस वस लेने में प्रॉब्लम होती है। पेड़ पौधा ज़्यादा लगाना चाहिए, बचाव करना चाहिए। दिक्कत थोड़ा बहुत हो रही है। हाँ, क्या? वो प्रदूषण की वजह से, पड़ाका वड़ाका छूने की वजह से हो रहा है, थोड़ा सांस लेने में थोड़ा परेशानी हो रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं ये हवा जो है वो अब हम लोग वो स्वच्छ हवा नहीं ले पा रहे हैं, और दीपावली बीतने के बाद ये जो डायमीटर है वो बढ़ गया है। जो उसका डायमीटर है वो पहले कम था, लेकिन अब लाल खतरे के निशान पर पहुंच गया है, जिससे हम लोगों को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है और तरह तरह की बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती है। अपने सहयोगी कैमरामैन सर्वराज के साथ बने रहें लाइव इंडिया हर पल के लिए।